हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज ना ब्लॉग स्कूल से आ गई हूँ मैं। सुबह टाइम नहीं मिला ब्लॉग स्टार्ट करने का, और स्कूल से आते ही ना गेट पर ही मम्मी जी बैठे थे, और उनकी चोट देख कर ना मन बड़ा परेशान हो गया। तन मेरे को भी बहुत अजीब लग रहा है, मतलब चोट तो इतनी नहीं लगी, बस चोट से जो नील है ना उनके पूरे फेस पर फैल गया। दिखाती हूँ, फोटो नहीं खिंच रही मम्मी, देखो कितना गहरा निशान। फोटो थोड़ी खिंच रही हूँ मैं आपके, बहुत नील पड़ गया मम्मी। सारे ने पता चल गया वे। हाँ तो पता था कि वे चोट लगी, हमने फोन करके बताया सबको। दर्द तो नहीं है ना आपको? दर्द है? नहीं मम्मी, यानी दर्द तो नहीं है, लेकिन देखो ना आंखों पर, आंखों में यहाँ पर इतना 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 नीला हो गया, यहाँ यहाँ तक मांस ऐसे लटक रहा है, वो बड़ा पेनफुल। हाँ नील पड़ गया, वही बता रही हूँ। पेन नहीं है, कह रही है दर्द नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर को भी दिखा लिया, इंजेक्शन भी लग गया है। डॉक्टर ने भी कहा है कि कुछ नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पेन किलर भी दे दिया है। देख कर बड़ा, स्कूल के अंदर आते ही ना तन्मय तो इतनी देर खड़ा बस देखता ही था अपनी अम्मा को। तन्मय की हालत तुझे क्या हो गया तन्मय? एक तो तन्मय ने अपनी अम्मा जी को देखा, इसका मूड बहुत ऑफ हो गया अम्मा जी को ऐसे देख कर, और दूसरा आज ये थक बहुत गया है। तन्मय हे राधे, क्या हुआ? आज इसका मार्शल आर्ट का पीरियड था, आज इसने मार्शल आर्ट का सारा कुछ आज ही सीख लिया है ना। पैर, इसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, और वाइट ड्रेस की हालत देखो, अब वाइट ड्रेस की हालत देख रहे हो। कैसी कैसी एक तो हमने 10 राउंड काटे आज पूरे ग्राउंड के, आंखें भी नहीं खुल रही मेरी अब। और फिर मुझे नहीं पता ये ड्रेस साफ कौन करेगा। सर से सर आपको नहीं पता क्या होती है माए? क्या होती है माए? अच्छा सर कह रहे हैं कार्टून नहीं काट रहे, डंडे लेके हमारे पीछे सर लगे पड़े हैं। एक बच्चे को तो लगा भी दिया, केशव को लगे, दो तीन लगे। कोई नहीं, बच्चे बात नहीं सुनेंगे तो होगा ही। बात नहीं, हमने भी कह दिया सर को, सर आप 3 राउंड लगातार लगा के दिखाओ, हम मान जाएंगे। वो स्टैमिना डेवलप करना ही होता है ना काम, टीचर का काम यही है कि स्टैमिना डेवलप करे। तो बेटा वो कर करके वो एक्सपीरियंस्ड बने हैं। एक्सपीरियंस करने में फिर अब कुछ कर ही नहीं पा रहे, ऐसा कैसे एक्सपीरियंस है? बर्बाद हो गया नौटंकी, मेरे पैर अब आके दबाना प्लीज। दबाऊंगी। काम एक ही नया काम हो रखा है, पतिदेव गए हैं मंडी, और देखो कितनी सब्जियां लाकर झोले भर के यहाँ रख दिए हैं। पता है कल संडे है, सारी सब्जियां धुले होंगी। गाजर भी आ गई, वाओ हलवे वाली गाजर। संडे का काम शुरू, साग भी आ गया, मेथी भी आ गई है, धनिया भी, सरसों पालक भी, मटर भी, और हलवे वाली गाजर भी। चलो भैया स्कूल की ड्यूटी खत्म, घर की शुरू। वेरी गुड, बनेगा गाजर का, गाजर का हलवा तब बनेगा जो गाजर कोई घिसेगा। ठीक है, कल है छुट्टी, काम आज ही पति मेरे लिए इतना सारा ले आया, इतनी सब्जी, हरी सब्जी है जो मुझे काट के रखनी है। शुरुआत कर दी है मैंने, दिखाऊं मैंने क्या क्या कर लिया। छील लिए मैंने जितने भी थे सारे छील लिए मटर, अब मैं सरसों और पालक काट रही हूँ, उसके बाद मैं मेथी साफ करूँगी, उसके बाद मैं धनिया साफ करूँगी, और उसके बाद वो सब्जियाँ रखी हैं ना उन सबको सेट करूँगी, और गाजर करूँगी। रात को आज मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं यही काम करूँगी। कॉलेज से आ गए भाई साहब, ट्यूशन से आ गए भाई साहब, सिर कैसे फूटा? जैसे ट्यूशन से निकले ऊपर वो गेट से, छोटे वाले गेट से लगा, खोपड़ा हिल गया मेरा। पहले खोपड़ा खाली है, ऊपर से वो भी तो हिला है खाली खोपड़ा ज्यादा लगता है ना इधर उधर। तन्मय तन्मय मेरी बात नहीं सुनता, तन्मय ऐसी बातें सुननी पसंद नहीं करता। यार यहाँ से निकल के वहां चली गई अभी फोकस करें हम अपनी हरी सब्जियां काटने पर, कोई हेल्प नहीं करता हमारी। मोस्टली काम मैंने कर दिया है, मेथी इतनी सारी तो मेथी साफ हुई है, सरसों पालक, मटर, धनिया, एक गड्डी धनिया साफ हो गया, एक गड्डी रह गया, और ये कूड़ा। और इतना काम करके अब मैं गई हूँ थक, बज रहे हैं रात के 8:30, अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। फाइनली हो गया डिनर, वो तो थैंक गॉड आटा लगा के रखा हुआ था दोपहर को ही, और दाल बना के रखी हुई थी,
बस फिर ढेर बर्तन धोए और अपना घर का सारा काम निपटाया, किचन करी है साफ, और अब मैं कुछ नहीं कर रही, बात खत्म। अब मैं थक गई, अब बर्तन रख दिए मैंने, मेरे और मेरे हस्बैंड के खाने के बर्तन है वो मैंने रख दिए, बाकी सब मैं कराई। अम्मा जी को भी खाना खिला दिया, अम्मा जी सो रही हैं, अंश पढ़ रहा है, तन्मय और उसके पापा बैठ कर उधर मूवी देख रहे हैं, दृश्यम 2 मैं नहीं देख रही हूँ बिकॉज मैं थक गई हूँ। और इस सब चीज़ों के लिए भी ना फ्रेश चाहिए माइंड, फ्रेश नहीं है, थक गई सब्जियाँ काटते काटते। आज विंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लेडीज़ के संग होती है, इतनी सब्जियाँ काटते हैं कि हमारे ना ये वाला थंब, ये थंब देख रहे हो आप, ये थंब मेरा कट गया है जगह जगह से, इतना कट गया, और साथ ही वाले फिंगर इतनी बुरी तरीके से दोनों कटी हैं कि स्कूल में जब हमें थंब इम्प्रेशन करना होता तो होता ही नहीं है आजकल। हर बार जाओगे फिंगर लगाती हूँ, फिर थंब इम्प्रेशन नहीं होता, थंब लगाती हूँ नहीं होता, कभी ये फिंगर कभी ये फिंगर कभी दूसरे हाथ के फिंगर लगा लगा कर थंब इम्प्रेशन करना पड़ता है। विंटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज से यही होती है कि उनका थंब और ये वाली फिंगर कट जाती है सब्जियाँ काट काट कर, काट काट कर। समस्याएं ही समस्याएं हैं जीवन में। बस अब ऐसे धीरे धीरे ब्लॉग बनाते बनाते मैं यहीं पर यूं ही धीरे धीरे लेटती 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 सो जाती हूँ कभी कभी। और हाँ, आप लोगों ने देखा, एक दो दिन से एडिटिंग मैं कर रही हूँ ब्लॉग की, सिंपल सादे से ब्लॉग आ रहे हैं ना, अभी सिंपल सिंपल वाले ही सीखे हैं, धीरे धीरे इसमें और चीज़ें सीखूंगी। और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टाइम से सो जाइए और जल्दी उठिए, क्योंकि बहुत सारा काम आपका बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रहा है। आई हेट संडे।